हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूमास फिजिक्स, माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ कंटिन्यूड। इसमें हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन जो दो रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, वो कवर करेंगे, जिसमें एक आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो ये दोनों चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से हमने निकाला। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए होलो वायर या होलो सिलेंडर के कारण हमने निकाला, उसके आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट पे। उसके बाद हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाला था, उसके इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे, और उससे रिलेटेड हमने एक ग्राफ भी देखा था, वो बनाया था। अब ये दो एप्लीकेशन और रह गए थे लास्ट में, तो इन एप्लीकेशन को भी कवर करते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड यानी क्लोज लूप, क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। ये होता था। तो इसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ बाउ सेवर्ड लॉ अप्लाई नहीं हो सकता या अप्लाई होता है तो बहुत लेंथी मैथड, लेंथी डेरिवेशन निकल के आता है, उसके बहुत ही लेंथी रिजल्ट, बहुत ही देर बाद रिजल्ट मिलता है। तो वहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम चुटकियों में रिजल्ट पा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड पढ़ने से पहले, डेरिवेशन ड्राइव करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि सोलेनोइड क्या चीज़ है। उसके बारे में टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं सोलेनोइड। क्या लिखते हैं हेडिंग? सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या चीज़ है बच्चों? सोलेनोइड क्या है? इट इज अ सिलिंड्रिकल कोर विच हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स। एक सिलिंड्रिकल कोर होती है जो एन नंबर ऑफ टर्न्स की होती है, और उसे किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे वाउंड किया जाता है, तो वो क्या मान जाता है, उस शेप को सोलेनोइड बोलते हैं। स्प्रिंग देखे हैं ना सबने, स्प्रिंग देखे हैं, तो स्प्रिंग जो होता है वो सोलेनोइड की तरह ही होता है। अगर हम उस वायर को, स्प्रिंग के वायर को हटा के कॉपर का स्प्रिंग बना दें, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सोलेनोइड की तरह। हमें उसके बीच में क्या रखना पड़ेगा? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब उसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर बाउंड करना पड़ेगा। अगर हम उसे कंडक्टिंग मटेरियल को प्रवाउंड कर दे तो क्या होगा? अगर हम उस वायर को कंडक्टिंग मटेरियल को प्रवाउंड कर देते तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि हमें पता है सोलेनोइड एक अलग चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक अलग चीज़ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आराम से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सोलेनोइड की बात करते हैं। तो क्या है? It is a cylindrical core which has n number of turns wound on a non-conducting बेस कह दो या मटेरियल कह दो, नॉन कंडक्टिंग बेस। मतलब क्या है? मतलब ये कि देखो, जैसे हमारे पास ये नॉन कंडक्टिंग बेस ले लिया हमने, लकड़ी का मान लो, किसी भी चीज़ का ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉन कंडक्टिंग लेना है मतलब। और हमने क्या काम किया, इसको ऊपर क्या कर दिया, कंडक्टिंग वायर बाउंड कर दिया। तो कैसे बाउंड करेंगे भाई? ऐसे ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, इस पर बाउंड कर देते हैं। तो ये जो बाउंड वायर है इसे क्या बोलते हैं हम? सोलेनोइड। इस बाउंड वायर को क्या बोलते हैं बच्चों? सोलेनोइड। चलो इसे बना देते हैं अच्छे से। तब तक तुम एम्पियर सर्कुलर लॉ रिवाइज करो फटाफट से, पेज पलटो कॉपी का, देखो क्या था एम्पियर सर्कुलर लॉ, कौन सी लूप होती थी, देखो फटाफट जब तक मैं फिगर बना रहा हूँ। चलो ठीक सर, हम तो नोट से नहीं बना रहे, हम कहाँ से देखें। अरे आलसी बच्चों, जो नोट्स नहीं बना रहे उन्हें नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं, और जो एक्टिव है वो नोट्स बनाते रहना, ये प्लस ये माइनस। तो हमने ऐसे देखो, ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग बेस। और ये क्या चीज़ है? कंडक्टिंग वायर। ये है वायर, कितनी लेंथ में फैला हुआ है? एल लेंथ तक फैला हुआ है मान लो ये। कितने टर्न्स है? एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन टर्न्स है, ठीक है। अब करंट गई यहाँ से आई, जब ये करंट आई जाएगी इसमें, तो करंट ये रिंग है, समझ में आ रही है, लिपटी हुए, मतलब अगर मैं सिलेंडर को ये ऐसे रखा है, सिलेंडर के ऊपर मैंने तार लपेट दिया, मैं सिलेंडर को ऐसे उठा दूँ तो रिंग बन जाएगी।
क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। मतलब उस स्प्रिंग को अगर मैं बाहर निकालूं तो स्प्रिंग की तरह लगेगा नहीं, तो कई सारी रिंग्स है ना, तो रिंग से चलो तो मैं करंट गई यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगी। देखो ये पीछे, ये वाला वायर पीछे जा रहा, पीछे घूम करके आगे आएगा, तो करंट मतलब ये नीचे ऐसे 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 करंट की डायरेक्शन कहाँ की तरफ को है, नीचे की तरफ को, ठीक है। तो ये बातें तो तुम्हें दिख रही होगी साफ साफ कि नीचे की तरफ को करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं ऊपर बात करूँ तो ऊपर से करंट सामने को आ रही है और नीचे से करंट अंदर को जा रही है, तभी तो ये रिंग है ना, मान लो ये रिंग है, मान लो ये रिंग है, देखो यहाँ। अब करंट अगर ऊपर वाले पोजीशन की बात करूँ तो ऊपर वाली पोजीशन पे क्या हो रहा है, करंट बाहर को और अंदर करंट अंदर को, नीचे वाली पोजीशन पे करंट अंदर को, ऊपर वाले पे करंट बाहर को। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो करंट, अगर मैं देखो तो करंट को किस नोट कर देंगे, डॉट। करंट क्या है, बाहर की तरफ को आ रही है, तो मतलब ये डॉट दिखा दो, ये डॉट बना देंगे, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि करंट कहाँ को आ रही है, बाहर की तरफ को, ठीक है। हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है ना, करंट के कारण कहाँ कहाँ। अब यहाँ करंट क्या जा रही है, नीचे को जा रही है, तो बना दो क्रॉस, यहाँ क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस बन जाएगा। हर एक स्प्रिंग का है, हर एक रिंग का अलग अलग है, थोड़ा बहुत अगर इधर आधा हो जाए तो देख लेना तुम आराम से गिन के बनाना, हर एक रिंग के नीचे ये क्रॉस होगी करंट, ठीक है। अब हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं और ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ कहाँ, क्या सोलेनोइड के आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है और क्या सोलेनोइड के इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो समझते हैं हम यहाँ, तो अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो इसे हटा दो, केवल ऊपर की चीज़ें देखो और नीचे की चीज़ें देखो, मतलब अगर मैं इनको ले आऊँ यहाँ, तो मतलब अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे, तो देखो कैसे दिखाई देगा कुछ, ये हमारे पास हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा बन गया करंट का, ये नीचे वाला हिस्सा बन गया, केवल हम ये दिखा रहे हैं अभी। तो करंट तो यहाँ आ रही थी बाहर की तरफ को, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ को आ रही थी करंट, है ना, और इस पॉइंट पे किस तरफ को आ रही थी, अंदर की तरफ को जा रही थी, यहाँ से करंट कहाँ को जा रही थी, अंदर की तरफ को। हमारे पास तीन पॉइंट, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट अंदर क्यू और एक पॉइंट अंदर नीचे आर। इन तीनों पॉइंट पर हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना है, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है, करंट बाहर की तरफ को आ रही है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ को होगा, करंट कहाँ है बाहर, तो करंट बाहर ऐसे, करंट बाहर होगा तो ऐसे, तो मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किसके होगा इस डायरेक्शन में, बी वन कहे तो चलो, है ना। और नीचे वाले के कारण ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहाँ को जा रही है करंट, अंदर को, तो अंदर ऐसे ऐसे, अंदर थंब रूल यूज़ करो ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड यूज़ करना है, ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये अंदर और ये ऐसे, ये अंदर और ये ऐसे, तो ऐसे जाएगी, मतलब यहाँ ये कितना हो जाएगा बी टू। तो बी नेट अगर मैं यहाँ करूँ ऊपर बार बी पी पे, तो B1 माइनस B2, B1 की वैल्यू भी B और B2 की वैल्यू भी B, मतलब क्या हो जाएगा जीरो, मतलब आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी सोलेनोइड के वो कितना होगा, जीरो होगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ देखते हैं भाई, अगर नीचे की तरफ देखो तो देखो अंदर जा रही है करंट, अंदर जा रही है, तो पॉइंट आर पे देखना है, तो देखो कैसे ऐसे, अंदर तो ऐसे, अंदर तो ऐसे, मतलब पीछे की तरफ को जाएगा, तो पीछे मतलब किसी पॉइंट आर की अगर बात करो तो वो ऐसे जा रहा होगा बी, और ऊपर के लिए क्या बात करें, ऊपर के लिए ऐसे जा रहे तो ऐसे, मतलब वही बात है इस तरफ को, तो बी टू बी वन। तो बी आर की अगर बात करो तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी सोलेनोइड जीरो है, ये एक्सप्लेनेशन हमने कैसे दी, किस बेस पे दे दी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पहले किया गया, एक सोलेनोइड रखा साहब, एक सोलेनोइड रखा, उसमें करंट फ्लो करा दी, और सोलेनोइड के एक कंपास तो बाहर को रख दिया और एक कंपास सोलेनोइड के अंदर रख दिया, तो बाहर वाला कंपास नहीं हिला, अंदर वाला कंपास हिला। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जब सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो ऐसा एक्सप्लेन करते हैं हम उसे, ये एक्सप्लेनेशन बाद में बनी, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन बनी है, ठीक है। तो यहाँ भी जीरो है, जो अब बीच में देखते हैं, तो बीच में देखो वायर है साफ साफ, वायर है ना, नीचे नीचे को करंट जा रही है, अब करंट की डायरेक्शन ये लूप है, ध्यान रखना, अब लूप है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ को, तो घूम के करंट ऐसा आ रही है ना, देखो घूम के करंट, लूप है ये, लूप है मान लो, अब ये लूप है, तो करंट ऐसे घूम के बाहर को आ रही है, आगे का ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा आगे का वायर है, तो करंट नीचे को आएगी यहाँ, तो पीछे से घूम के बाहर को, तो मतलब करंट ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मतलब पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिला, इस डायरेक्शन में बी। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड हैज सम वैल्यू, बट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड हैज जीरो वैल्यू। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, मान लो हमें क्या ड्रॉ करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, मतलब जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ उतना, क्योंकि करंट तो सेम है ना, करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो अब हमें क्या पता लगाना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं क्या, कि ये जो n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स इस लूप के कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इस पे सोलेनोइड पे, n। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या n इज ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, पर यूनिट लेंथ। याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी याद करो, उसमें हम क्या लिखते थे, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आता था क्या, वॉल्यूम आता था, हम एन लिखते थे, एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिखते थे, एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते थे उसकी, तो इलेक्ट्रॉन आ जाते थे नंबर, ठीक है। ऐसे अगर नंबर ऑफ टर्न्स पता लगाने हैं तो एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर हमारे पास एल यूनिट लेंथ हो, एल यूनिट तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, तो इफ एन हैज टर्न्स तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एल लेंथ, कैपिटल एन कह दो उसके लिए, जो नंबर ऑफ टर्न्स, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को तो हमने एन से डिनोट किया, अगर हम इसे एल यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स निकालने तो हमने क्या कह दिया, कैपिटल एन, और कैपिटल एन इक्वल टू एन इंटू एल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, बच्चे गलती कर देते हैं कि एन को एन ही रहने देते हैं, या क्या करते हैं एन अपॉन एल कर देते हैं। अरे एन अपॉन एल क्यों होगा, एन अपॉन एल इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब लेंथ की वैल्यू वन है, वन यूनिट है, और यूनिट क्या होती है मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, हमने क्या काम किया लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो उसकी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो बचा गया हमारे पास एन, प्योर नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया हमारे पास, कितने टर्न्स मिल गए, प्योर नंबर ऑफ टर्न्स मिल गए। पहले क्या मिल रहा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की एक मीटर में कितने टर्न्स है, मान लो एक मीटर में पांच टर्न्स है तो 5/1 तो 5 टर्न्स हो गए। अगर मैं कहूँ 10 मीटर में कितने टर्न्स होंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5/1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 50 टर्न्स हो जाएंगे 10 मीटर में, ठीक है ना। अगर एक मीटर में 5 टर्न्स है तो 10 मीटर में कितने टर्न्स हो जाएंगे, 50 टर्न्स। तो वही हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स निकल के आ जाते हैं, जबकि एक्चुअल में हमारे पास जो एन है वो है एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाला, हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द फोर एल लेंथ, तो एल लेंथ के लिए एल से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही चीज थी। तो हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो चलो भाई दोनों पॉइंटों पे फाइंड करते हैं। ये एप्लीकेशन है बाबा सेवर्ट लॉ का, देख वो उसका एम्पियर सर्कुलर लॉ का, तो क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनोइड फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड एंड आउटसाइड द सोलेनोइड। चलो भाई सोलेनोइड, तो पहले पार्ट क्या लिख दें, हम क्या लिखते हैं, फॉर आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड के लिए कितना आया था अभी निकाल के देखा अपने एक्सपेरिमेंट से, 0 आया था, वो तो साफ साफ दिखता है। नंबर 2 के लिए क्या करते हैं, फॉर इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड के लिए करते हैं भाई कितना आएगा, क्योंकि हमें पता तो है कुछ नोड वैल्यू तो है, वो वैल्यू कितनी है वो देखता है सोलेनोइड। चलो भाई हमारे पास क्या एक सोलेनोइड है, ये रहा सोलेनोइड, ये स्प्रिंग जैसा रिंग है, ठीक है ध्यान रखना है ना, ये बना दिया हमने, ये करंट जा रही है, ये करंट ऐसे घूम कर जाएगी ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे से जाएगी, कितनी लेंथ पे फैला हुआ है, एल लेंथ पे फैला हुआ है। हमें क्या करा, हमें एक लूप, हमें यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, साफ बात है नहीं, जब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है तो हमें एक एम्पियर लूप माननी पड़ेगी, क्या माननी पड़ेगी, एम्पियर लूप माननी पड़ेगी। अच्छा अगर देखो एम्पियर लूप माननी है तो एम्पियर लूप मानने का तरीका बता देता हूँ मैं तुम्हें, अगर कोई चीज़ एल लेंथ पे फैली है और वो हॉरिजॉन्टल रखी है तो लूप में क्या आना चाहिए, उसकी लेंथ भी, लूप ऐसे मानो कि उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी कवर हो, उस लूप को ऐसे मानो कि उस लूप में उस मटेरियल की कुछ ना कुछ लेंथ भी कवर होनी चाहिए जिस मटेरियल के कारण हम इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। जैसे पहले हम वायर मानते थे तो वायर की लेंथ कैसी होती थी, हम वायर ऐसे वर्टिकल रखते थे ना, तो लेंथ मतलब उसकी डायमीटर थिकनेस मानते थे, तो थिकनेस तो है ही नहीं ना उसमें, वायर तो हम बिल्कुल मानते थे थिन, तो हम उसके पास लूप मानते थे सर्कुलर लूप मानते थे। लेकिन अगर मैं वायर को ऐसे ऐसे कर देता है ना, और करंट कैसे फ्लो होती, छल्लों की तरह फ्लो होती, मतलब जैसे वायर है, ये वायर ही तो देखो हॉरिजॉन्टल वायर तो रखा है,
अरे वायर पहले हम स्ट्रेट करते थे, स्ट्रेट में करंट की डायरेक्शन ऊपर देते थे और ऐसे घूमता था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये भी तो वायर ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया हमने, लेकिन इस वायर को कैसे करके रखा है, इसके रिंग बना लिए। अब जब इसके रिंग बना लिए तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड में, सोलेनोइड निकालनी है और उसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए हमें एक लूप चाहिए जिसे एम्पियर लूप बोलते हैं। तो ध्यान रखना, देखो इस वायर में कुछ ना कुछ लेंथ है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ की लूप ऐसे मानो, एम्पियर लूप ऐसे मानो कि ये लेंथ भी कवर हो थोड़ी बहुत। तो हमने क्या काम किया, एक रेक्टेंगुलर लूप मान लीजिए, अभी तो लेंथ कवर होगी, अगर किसी चीज़ में लेंथ है तो समझ लो सीधी बात है वो रेक्टेंगुलर लूप की तरह बिहेव करेगी। देखो क्योंकि ऊपर को भी जाना पड़ेगा, ऊपर सर्कल रखे हैं, ऊपर क्या रखे हैं सर्कल रखे हैं, नीचे लेंथ थी उसकी, तो ये हमने एक एम्पियर लूप मान ली रेक्टेंगुलर, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ये लूप मान ली हमने जी। ये क्या है एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप, ठीक है चलो एम्पियर्स लूप मान लिया हमने इसमें। अब हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है इनसाइड द सोलेनोइड। चलो भाई ठीक है, हम चल कैसे रहे हैं, ए बी सी डी ई ऐसे चल रहे हैं, ठीक है चलो अच्छी बात है। तो अब करना क्या है, या फिर ऐसे करते हैं, इसे नाम ऐसे कर दो, इन्हें ऐसे कर दो ऐसे, यहाँ से ये सही है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो घूमना, क्लॉकवाइज घूमते हैं ना आराम से ऐसे, यहाँ और ये यहाँ, ये हो जाएगा क्या ए बी सी और डी। चलो भाई करंट हमारे फ्लो हो रही है, मतलब ये तो लूप की डायरेक्शन ले ली हमने, और ये ऐसे जा रहा है एम्पियर लूप ऐसे मान लिया ए बी सी डी, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी मान लिया हमने थोड़ा दिखाने के लिए कि क्लॉक वाइज है। तो हम जानते हैं क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू अराउंड द क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये पता लगानी है। तो म्यू नॉट इंटू आई तो लिखो यहाँ, और अराउंड द क्लोज सर्कुलर लूप फाई बी वेक्टर डी एल वेक्टर, ये है, ये लिख दिया हमने यहाँ। अब ये क्लोज लूप का राउंड है, क्लोज लूप कौन सी है ए बी सी डी, इस लूप का राउंड है। तो मान लो वैसे टुकड़ों में काट लो थोड़े थोड़े, क्योंकि लाइन इंट्रीगल है ना, तो लाइन एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, सारी के सारी लाइन्स है। तो क्या करेंगे ए बी, ए बी के लिए बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन कौन सी, बी सी के लिए बी डी एल कॉस थीटा प्लस ये किसके लिए सी डी के लिए बी डी एल कॉस थीटा, और प्लस एक इसके लिए डी ए के लिए बी डी एल कॉस थीटा। चलो भाई ए बी की बात करते हैं, तो ए बी, ए बी ये देखो हमने डायरेक्शन भी लूप की इसी डायरेक्शन में है और लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये देख लो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, क्योंकि एंगल किस किस के बीच है, बी और डी एल के बीच का एंगल चाहिए हमें। तो देखो कैसे है मैग्नेटिक फील्ड, घूम के लूप में ऐसे आ रहा, ऐसे घूम के लूप में ऐसा, देखो पीछे करंट गई और आगे को आई, पीछे करंट क्या आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी भाई ऐसे, ये बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही को है और लेंथ भी हम यही को मेजर कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ के लिए, यहाँ के लिए थीटा हो जाएगा जीरो डिग्री, थीटा जीरो होगा तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ए बी बी डी एल कॉस जीरो प्लस इंटीग्रेशन बी सी, बी सी कहाँ है भाई बी सी, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई और लेंथ ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई और लेंथ ये है, लूप की, लूप की लेंथ तो लेते हैं लेंथ ये, तो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये बी डी एल कॉस 90 प्लस सी डी के लिए देख लो, सी डी ये है, ये पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे है पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट पे सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है जीरो, अभी देखा हमने कि सोलेनोइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है जीरो होता है, तो यहाँ रख देंगे जीरो डी एल कॉस थीटा किसके केस में सी डी के केस में, प्लस इंटीग्रेशन डी ए के लिए अगर हम करें बात तो बी डी एल, डी एल के लिए ए डी के लिए भी 90 डिग्री होगा, डी ए के लिए भी देखो कैसे डी ए ये रही और मैग्नेटिक फील्ड ये रही, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हमारे पास टोटल आया। अच्छा अब देखते हैं, चलो आगे करो इसे थोड़ा सा, कैसे करें अब देखो क्या करना है, अब देखो म्यू नॉट इंटू आई इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये इसका तो हो जाएगा बी डी एल, ये तो यही हो जाएगा प्लस, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, ये 90 जीरो, ये 90 जीरो, ये जीरो है, तो बाकी सब जीरो, तो आया क्या म्यू नॉट इंटू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल। अच्छा
अब ये देखो टोटल इंटीग्रेशन है, टोटल लाइन इंटीग्रेशन। अच्छा अब ये इंटीग्रेशन टोटल लूप्स के लिए है, लेकिन ये पॉइंट जो है ये वाली जो साइड है ना, ये केवल एक लूप के लिए डिफाइंड है। कैसे? एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप का राउंड जो टोटल इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इनटू आई। लेकिन यहाँ कितनी लूप्स हैं? यहाँ तो बहुत सारी लूप्स हैं यहाँ। तो हमने देखो एम्पियर लूप भी तो कई सारे लूप को कवर करके माना था नहीं, एम्पियर जो लूप माना था कई सारे लूप को कवर करके माना। तो बी डॉट डी एल जो आएगा, बी डॉट डी एल जो निकल के आएगा टोटल लूप के लिए आएगा, लेकिन जबकि ये वाली साइड किस लूप के लिए रहेगा, केवल एक लूप के लिए। तो इस वाली साइड को भी हमें टोटल लूप के लिए करना पड़ेगा, इस वाली साइड को भी हमें टोटल लूप के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। टोटल लूप के लिए डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी लेंथ में फैले हुए हैं, एल लेंथ में फैले हुए हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था एन, लेकिन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एल लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर एल मीटर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर एल मीटर लेंथ क्या हो जाएगा, एन एल। तो हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस साइड की एन एल से, इसी साइड की केवल एन एल से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस साइड की मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है टोटल लूप के लिए डिफाइंड है, लेकिन ये वाली साइड केवल एक सिंगल लूप के लिए डिफाइंड है, क्योंकि तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग लिखा ना हमने। तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया तुम्हें बात, म्यू नॉट एल एच एस साइड इज डिफाइंड ओनली फॉर वन लूप, ओनली फॉर वन लूप, वेयर एज आर एच एस डिवाइस, आर एच एस साइड इज डिफाइंड फॉर टोटल लूप्स ड्यू टू इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन के भी साइन साफ साफ दिख रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है, जब इंटीग्रेशन साइन दिख रहा है तो टोटल लूप के लिए डिफाइन होगा ये, फॉर टोटल लूप ड्यू टू लाइन इंटीग्रेशन। नाउ वी हैव टू मेक एल एच एस साइड फॉर टोटल लूप। सो क्या करना पड़ेगा, एन एल से क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एल एच एस साइड बाय एन इंटू एल, क्योंकि एन एल जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ में आ गए हमारे पास, पहले केवल एन की बात थी वो एक यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन था, यहाँ लेंथ कितनी यूनिट है, एल यूनिट, तो एन एल हो जाएगा। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन, चलो भाई, म्यू नॉट आई इंटू एन एल इक्वल टू, बी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी एल, तो म्यू नॉट आई एन एल इक्वल टू बी, डी एल का क्या हो जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ में तो पहला होता है, एल हो जाएगा, डी एल का एल से एल कैंसिल, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट एन आई। तो भाई हमारे पास क्या निकल के आया, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। अच्छा अब इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो परमिएबिलिटी पे, मीडियम चेंज कर दो चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एक नंबर ऑफ टर्न्स, लूप को बढ़ा दो, 500 टर्न्स थे मान लो, 5 टेस लगा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, 1000 टर्न्स कर दो तो 10 टेस लगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि एन बढ़ाने पर बी बढ़ेगा। करंट बढ़ा दो, अगर करंट इंक्रीज कर दोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो क्या है कंक्लूजन, क्या निकल के आते हैं हमारे पास, कंक्लूजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, नंबर फर्स्ट बी प्रोपोर्शनल टू एन, एस क्या एन इंक्रीज बी इंक्रीज, नंबर टू क्या है बी प्रोपोर्शनल टू आई, एस क्या आई इंक्रीज बी इंक्रीज, नंबर थर्ड परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की दे रखी है, वैसे कांस्टेंट होती है लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर दे परमिएबिलिटी वाला, रिलेटिव परमिएबिलिटी इंट्रोड्यूस करा दे तो क्या हो जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, एस म्यू नॉट चेंज बी चेंज, ये भी बी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मटेरियल का हमें पता, मटेरियल कंडक्टिंग है और इसकी कोर जो होती थी वो कौन सा होती थी, नॉन कंडक्टिंग। अब अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ, इस सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो वो कैसी दिखाई देगी,
सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड ऑफ सोलेनोइड है वो कितना है, म्यू नॉट इनटू एनआई, एक कांस्टेंट वैल्यू मिली। लेकिन जैसे जैसे एक फैक्ट है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किनारे पे पहुंचती है, एक एंड पे पहुंचती है, तो ये दूर होने लगती है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड पे पहुंचती है, सोलेनोइड के एंड पे पहुंचती है, तो दूर दूर होने लगती है, सेपरेट होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी एक एंड पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनोइड के कारण, वो क्या होती है, हाफ होती है जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ किसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द वन एंड ऑफ सोलेनोइड कितनी हो जाएगी, बी न्यू इक्वल टू बी अपॉन टू, हाफ हो जाती है। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट एन आई। तो ये भाई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया है किसी एंड पे। ये कहाँ से निकल के आई है, देखो एक्चुअल में बात बताओ, अगर मैं इसे दूसरे लॉ से ड्राइव करता ना इसका फॉर्मूला सोलेनोइड का, तो वो एक ऐसा फॉर्मूला बन के आता कि जिससे तुम सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे, एंड पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे। लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंथी था, क्या करना पड़ता, एक लूप लेनी पड़ती, उस लूप के एक्सिस पे कोई पॉइंट पी मानना पड़ता और उससे निकालनी पड़ती, तो थोड़ा लेंथी मेथड। ये शॉर्ट मेथड है और किसी एंड पे पूछा जाए तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब तो इससे क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्चुअल इंटेंसिटी है एंड पे जाकर के हाफ हो जाती है। तो जब तुम्हें पता है जहां मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा वहां लाइनें दूर दूर जाएगी, और जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां लाइनें पास पास आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो पढ़ाई है तुमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास पास होती है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग इंटेंसिटी का है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड किस इंटेंसिटी का है, थोड़ा वीक इंटेंसिटी का है। तो चलो हम इसको ड्रॉ करते हैं, अगर सोलेनोइड के पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें अगर हम, तो देखो भैया देखो, मान लो सोलेनोइड है हमारे पास, ये रहा सोलेनोइड, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग ज़्यादा दिखाई देता है नहीं, लेकिन ये सोलेनोइड स्प्रिंग ज़्यादा दिखाई, मैं ठीक से करता हूँ एक बार और, देखो ये एक हमारे पास सोलेनोइड है, लाइक ए हेलिकल शेप, ये रहा सोलेनोइड हमारे पास। चलो भाई अब क्या करना है, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, करंट की डायरेक्शन दे दो, ये यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, यहाँ नीचे को है ना और यहाँ से ऊपर को। अच्छा, तो ये लूप्स है ऐसे के, करंट ऐसे और ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ को है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ की तरफ को, ऐसे जा करके ऐसे, मतलब ए से बी की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम इंटेंसिटी का रहेगा, तो वहां तो लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलेगी और एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर चलेगी। लेकिन एंड पे आते ही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कमजोर हो जाती है, वो दूर दूर भागने लगेगी। तो मतलब कहने का ये, अगर मैं यहाँ बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूँ, देखो ये गई अंदर, ये बाहर निकली, ये अंदर, ये बाहर निकली, अंदर, ये बाहर निकली, ये अंदर, यहाँ से बाहर, ये अंदर, यहाँ से बाहर, ये अंदर, बाहर, ये एंड पे जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। ये भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये हुआ ऐसे ही, यहाँ पे लाइन है, ये ऐसे, ये गया यहाँ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं इधर चला। चलो भाई देखो एक ये आई, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ये 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 करके दिखाओ मुझे, ये करके दिखाओ। चलो भाई तो देखो ये आया यहाँ, ये ऐसे पीछे से क्या हो जाएगा, थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अलग अलग को थोड़ी सी, ये ऐसे। तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बना सकते हैं हम किसी भी सोलेनोइड के लिए। तो ये है हमारे पास सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इस एंड पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। और अगर मैं बीच की बात करूँ कहीं भी, यहाँ कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये भाई सोलेनोइड है जो हम आसानी से समझ सकते हैं, और हमने जो चीज़ें समझी इसके बारे में वो हमने देख भी लिया आई थी। अब क्या चीज़ आती है, तो लास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, जो हमारे पास एक लास्ट एप्लीकेशन है वो किसका है, टोरॉइड का है ना। तो टोरॉइड क्या, टोरॉइड भी देखो एक सोलेनोइड ही है, टोरॉइड भी क्या है, एक टाइप का सोलेनोइड ही है। बस अंतर क्या है, वो टोरॉइड कैसा है, सर्कुलर शेप में होता है, और ये सोलेनोइड किस शेप में होता है, हेलिकल शेप में। मतलब
वायर तो हेलिकल रहेगा टोरॉइड का भी, बस जैसे यहाँ कोर थी ना बीच में जिसके ऊपर लपेटा गया था, जो बेस था वो बेस सिलेंड्रिकल था ऐसे और उसको ऊपर लपेटा था। अब हमने क्या काम किया, इस बेस को सर्कुलर मोड़ दिया और उसके ऊपर कोर लपेट दिया ऐसे करके सब जगह को चारों तरफ को, है ना, सर्कुलर की शेप में, तो वो टोरॉइड बन जाता है। ठीक है, तो टोरॉइड तो बन जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब करना कैसे है, उस टोरॉइड पे क्या पता लगानी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है टोरॉइड पे। जब टोरॉइड पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लेंगे हम उसके इनसाइड टोरॉइड पर और उसके आउटसाइड, तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो टोरॉइड क्या है, टोरॉइड टोरॉइड इट इज ए लाइक ऑफ सोलेनोइड सोलेनोइड विच इज वाउंड ऑन ए सर्क्यूलर टाइप बेस, सर्क्यूलर टाइप बेस, सर्क्यूलर टाइप के बेस पे लिपटा हुआ एक वायर है, वो सोलेनोइड टोरॉइड बन जाता है। कैसे, मतलब कुछ ऐसा, जैसे मान लो क्या एक सर्कुलर वायर ले लो, ये हुआ भाई, अब ये ले लिया हमने बेस, इसका नॉन कंडक्टिंग बेस है, ध्यान रखना। चलो अब करंट, करंट नहीं, रिंग बना दो, चल भैया टाइम लगेगा इतना, रिवीजन कर लो, पीछे क्वेश्चन पलट लो, पेपर पलट लो, थोड़े से हाथ पैर हिला लो, कुछ सीख लो, इंसान बन जाओ थोड़े से अच्छे अच्छे। चलो चलो चलो, ये हुआ भैया हमारा टोरॉइड, यहाँ से करंट दे दी हमने। चलो भाई अब कैसे, करंट ऐसे आ रही है नीचे को, यहाँ मान लो हमने ऐसे दी से कि करंट ऐसे चलेगी नीचे से घूम करके वापस, तो करंट ऐसे आएगी और अंदर जाएगी, ऐसे आएगी अंदर, मतलब करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है ना, ये सर्कुलर रिंग ही तो है ये भी, ये रिंग से रिंग्स लपेट दी हमने, स्प्रिंग को ऐसे लपेट दिया अंदर वाली कोर पे, इसे क्या बोलते हैं बेस, इसे क्या बोलते हैं बेस। चलो भाई अब करना क्या है, तीन पॉइंट पे हमें क्या बतानी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तो कहाँ पॉइंट पी इनसाइड सोलेनोइड, एक पॉइंट क्यू ऑन दी सोलेनोइड, एक पॉइंट आर आउटसाइड दी सोलेनोइड, इन तीन पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है टोरॉइड के लिए, आउटसाइड दी टोरॉइड, सोलेनोइड नहीं है, अगर सोलेनोइड बोला गया हो तो सॉरी टोरॉइड है, ठीक है टोरॉइड। तो अगर हम बात करें पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें इस पॉइंट पी के अराउंड क्या माननी पड़ेगी, सर्कुलर लूप माननी पड़ेगी, एक एम्पियर सर्कुलर लूप बनानी पड़ेगी ना हमें, तो एम्पियर सर्कुलर लूप बना लो यहाँ, ये क्या हो जाएगी एम्पियर्स लूप, ये एम्पियर्स लूप बना ली हमने, तो क्या होता है, नंबर फर्स्ट इनसाइड टोरॉइड, इनसाइड टोरॉइड तो लगा दो भाई, बाय एसीएल, बाय एसीएल इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इनसाइड बाय एसीएल, तो क्या देखना है, इनसाइड टोरॉइड बाय एसीएल, है ना, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा के हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे। तो चलो भाई बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई, टोटल करंट होती है, पहले ही बता दिया था मैंने। चलो भाई अब ये टोटल करंट लूप के अंदर देखते हैं, ये करंट जो है लूप के अंदर वाली करंट होती है, लूप तो ये है हमारे पास, इस लूप के अंदर कितनी करंट है, जीरो, क्योंकि करंट तो बाहर फ्लो हो रही है ना, यहाँ करंट तो इस कोर पे फ्लो हो रही है, करंट इस कोर पे ही तो है, अंदर इस लूप के तो करंट जीरो है, तो क्या लिखेंगे, आई टोटल जो होगा इनसाइड लूप टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, तो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, जीरो, या बी इनसाइड टोरॉइड क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, ये बात पता लग गई हमें इससे। नंबर टू बात करते हैं किसके लिए, किसके लिए बात करते हैं, आउटसाइड वो ऑन द टोरॉइड, ऑन द टोरॉइड, ऑन द टोरॉइड, चलो भाई ऑन द टोरॉइड की बात करते हैं,
कितना होगा बाई ACL। अब ACL लगा लो भाई टोरॉइड पे, टोरॉइड पे ACL लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पॉइंट P के, वो पॉइंट Q के अराउंड क्या माननी पड़ेगी, फिर से लूप माननी पड़ेगी। पॉइंट Q ये है, अब पॉइंट Q के अराउंड जब एक लूप मानेंगे हम, ये रही लूप, एम्पियर लूप बोलते हैं इसे, तो पता ही है तुम लोगों को कि जो एम्पियर लूप बोलेंगे तो ये एम्पियर लूप क्या हो जाएगी, ए एल बोलेंगे से एम्पियर लूप, ठीक है। अब देखो जरा इस लूप को ध्यान से देखो, इस लूप को क्या करना है, ध्यान से देखना है बिल्कुल आसानी से बढ़िया करके। तो क्या हो रहा, हो कुछ ऐसा रहा है कि ये जो लूप है इस लूप के अंदर देखना है, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर करंट है क्या, इस लूप के अंदर करंट है, क्यों, क्योंकि देखो हमने लूप ये मानी तो वायर तो यहाँ भी है ना, ये वायर है, करंट ऐसे जा रही है ना इस वायर में, करंट देखो इस लूप के अंदर, तो इस लूप को माने तो करंट नीचे को जा रही है, मतलब इस केस में अगर मैं ये दो पॉइंट ले लूँ, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो यहाँ पे करंट अंदर जा रही है और यहाँ पे करंट क्या आ रही है बाहर, ऐसे यहाँ करंट बाहर और यहाँ करंट अंदर, यहाँ करंट बाहर और यहाँ करंट अंदर, यहाँ करंट बाहर, यहाँ करंट अंदर, सब लूप में यही है, सारी लूप में यही तो होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस लूप के अंदर की, इस लूप के बाहर का हमें कुछ नहीं पता, तो इस लूप के बाहर तो ये वाला पोर्शन है जो करंट बाहर को आ रही है, हमें कुछ नहीं लेना है इससे, हमारे पास तो ये पता है कि इस लूप के अंदर जो करंट है वो अंदर को जा, इस लूप के अंदर अंदर जो करंट है वो है करंट है जो अंदर की तरफ को जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन साइड डायरेक्शन, ठीक ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो आई, कितना हो जाएगा बी डॉट डी एल, वेक्टर है दोनों है ना, इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई, तो बी डॉट डी एल का क्या हो जाएगा, बी डी एल कोसाइन थीटा की वैल्यू तो जीरो है, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट इन टू आई, तो आई रहेगा क्योंकि करंट है हमारे पास, तो वो आई करंट है जो कि हमें पता है आई रहेगी वो, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ, ये जो डिफाइंड है ये तो सारी लूप के लिए डिफाइंड हो जाएगा, बताया था मैंने, और ये किसी एक लूप के लिए डिफाइंड है, तो इसे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इसे भी सभी लूप के लिए डिफाइंड कराना पड़ेगा, जैसे सोलोनॉइड पे पढ़ा है सेम वही करना है। अंतर क्या है, उसमें एन एल से मल्टीप्लाई करी थी हमने, एन की मल्टीप्लाई एल से कर दी थी क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी पर यूनिट लेंथ है, लेकिन लेंथ किस शेप में है वायर की, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में लिपटा हुआ है ना वायर, तो यहाँ लेंथ क्या आ जाएगी, सर्कमफेरेंस का काम करेगी, तो क्या आ जाएगी सर्कमफेरेंस, क्या काम करेंगे लेंथ का, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बी तो ऐसे ही, डी एल तो ऐसे ही रहेगा यहाँ, इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू क्या, सर्कमफेरेंस टू पाई आर इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या है सर्कमफेरेंस, अच्छा डी एल तो इस वायर की लेंथ है, वायर किस शेप में मुड़ा हुआ है, सर्कुलर शेप में तो मुड़ा हुआ है, तो सिंस डी एल भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर ही होगा डी एल भी, तो पुट कर दो भाई बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर इंटू एन, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, याद आया कुछ, कुछ आया याद, आ गया होगा क्या, सोलेनॉइड में भी सेम इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, टोरॉइड में भी सेम इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई और वहाँ पर म्यू नॉट एन आई आया था, तो इससे क्या पता चलता है कि सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों जुड़वा भाई है, बस दोनों की शेप अलग अलग है, दोनों की क्या अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, कोई कैसा दिखता है कोई कैसा दिखता है, एक गोल मटोल दिखता है तो एक लंबा लंबा दिखता है, ठीक है, तो वो हिसाब है, तो ठीक है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब हम किसकी बात करते हैं, नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो किसके लिए है, आउटसाइड दी टोरॉइड, आउटसाइड दी टोरॉइड, अब टोरॉइड के आउटसाइड की बात करें, अगर हम टोरॉइड के आउटसाइड की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो कितना होगा, देखो टोरॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड यह है आर, यहाँ लूप बना लेंगे फिर से हम इसके अराउंड, इसके अराउंड फिर से हम क्या कर लेंगे लूप बना लेंगे, ये ऐसे लूप बना लेंगे, ये कौन सी लूप हो गई, एम्पियर लूप हो जाएगी, जब एम्पियर लूप हो जाएगी तो करो भाई बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, टोटल होती है आई टोटल, तो म्यू नॉट टोटल का मतलब टोटल का मतलब, अब देखते हैं जरा इस लूप के अंदर करंट, इस लूप के अंदर करंट देखो भाई करंट कैसी है, देखो इस लूप के अंदर करंट तो है आई, लेकिन वो कैसे है, ऊपर वाले पोर्शन है बाहर को आ रही है, नीचे वाले पोर्शन पर अंदर को जा रही है, तो ये कौन सी करंट है, ये करंट है आउटसाइड, ये करंट है आउटसाइड, और ये करंट कौन सी है इनसाइड, तो टोटल करंट क्या हो जाएगी आई आउटसाइड माइनस आई इनसाइड, माइनस क्यों लिया क्योंकि अंदर को जा रही है बाहर को आ रही है, दोनों बाहर को आते हैं प्लस ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, तो क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट, अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, जितनी बाहर से निकली उतनी तो अंदर जा रही है क्योंकि लूप है सर्कुलर, तो जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी इक्वल टू जीरो, क्या पता चला, क्या पता चलता है इससे कि टोरॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, टोरॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो मैग्नेटिक होगा तो कहाँ होगा, टोरॉइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कितना होगा जितना सोलेनोइड में होता है। तो ये बातें थी जो बताने वाली थी, आई थिंक तुम लोगों की समझ में आया होगा कि कैसे टोरॉइड का डेरिवेशन करना है, कैसे सोलेनोइड का डेरिवेशन करना है, और कैसे हमें नोट्स तो बना लेने हैं तुम्हें अच्छे से, कोई दिक्कत तो है नहीं है आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं हम कहाँ पे, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं सोलेनोइड से रिलेटेड, ठीक है, अच्छे अच्छे
न्यूमेरिकल करते हैं सोलेनोइड से रिलेटेड। जब तक रिवाइज करो फटाफट से, जब तक मैं मिटाता हूँ न्यूमेरिकल लिखता हूँ। न्यूमेरिकल लिखने का काम बहुत बड़ा है भाई, न्यूमेरिकल लिखने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। चलो तो क्या करते हैं, क्वेश्चन वन। तो क्वेश्चन वन में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन वन में कहा है कि ए पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग वायर वाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग बेस हैज 5000 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब क्या कहा उसने, क्या कहा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मार्कर चेंज करना बहुत जरूरी है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कितना हो जाएगा, कितना, थ्री, अरे दोनों मार्क खराब हो, थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू टेस्ला। देन फाइंड द करंट फ्लोइंग इन वायर। तो किसका क्वेश्चन है, सोलेनोइड का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, एक लॉन्ग वायर है 500 टर्न्स है जो वाउंड है किसी बेस पे, मतलब कैसे होगा, सिंपल सी बात है, वही बताया तो था अभी, ये एक बेस है, इस बेस पे सोलेनोइड फैला हुआ है ऐसे, देखो यहाँ ये ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिए हमने इस पे, लपेट लो ये लपेट दिए हमने ऐसे, यहाँ कदम कर। चलो अब क्या हुआ, कितने लेंथ पे फैला हुआ है, 0.5 मीटर लेंथ पे, कितने नंबर ऑफ टर्न, चलो तो 500 कर दो भाई, ज़्यादा नहीं, 500 नंबर ऑफ टर्न्स है। चलो भाई एन की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, ये पूरे 500 टर्न्स है, पूरी लेंथ पे फैले हुए हैं नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये 500 टर्न्स कित पे फैले हुए हैं, पूरी की पूरी लेंथ पे फैले हुए हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है सर जी। जब पूरी की पूरी लेंथ पे फैले हुए हैं तो हमें एनएल की वैल्यू पता है, एनएल की वैल्यू तो पता है, अरे पूरी लेंथ पे फैले हुए हैं 500, ये एन नहीं है, एनएल है, पूरी लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स कैसे करते हैं, एन की मल्टीप्लाई एल से करते थे तब तो पूरी लेंथ पे आते थे, ये पूरी लेंथ पे कितने फैले हुए हैं, 500, मतलब एनएल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एनएल की वैल्यू कितनी है भाई, एनएल की वैल्यू 500 है, ऐसे ही नहीं, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स निकाल देना, एल की वैल्यू कितनी है, 0.05 इक्वल टू 500, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 अपॉन 0.5, पॉइंट सेट है 0.3, एन इक्वल टू टिश 1000 टर्न्स हो गए, ठीक है 1000 टर्न्स हो गए पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में 1000 टर्न्स है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, अब किया क्या, करना क्या है, करंट निकाल दिए, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी, कितना दे रखा है, 3 × 10⁻²⁺ टेस्ला, और क्या दे रखा है, बस और तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। तो हम जानते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आई की वैल्यू निकाले तो आई इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट एन, बी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻²⁺, म्यू नॉट कितना है, 4π × 10⁻⁷ इंटू 1000, एन की वैल्यू कितनी है, 1000, यही होता है, म्यू नॉट की वैल्यू तो सबको याद होगी, क्या करेंगे हवन करेंगे चलो 3 × 10⁻²⁺ अपॉन 4π × 10⁻⁶, ये 3 है ये 7, तो माइनस कितना बच जाएगा बोलो, -4, ऊपर लेके जाओ इसे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ले आओ भाई एरो देख लेना, आई डायरेक्शन ऑफ किसको दिखा रहा है, करंट को नहीं मतलब लिख दिया, तो 3 × 10⁻², नीचे का ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ और अपॉन जाएगा क्या, 4π, क्या बचेगा, 300 अपॉन 4π, काट दो 75/5 एम्पियर करंट हो जाएगी, इस सोलेनोइड में कितनी करंट है, 75/5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है सोलेनोइड में। चलो भाई समझ में आया, छाप लो
छापा मार दो। चलो भाई, वैसे मेरा सजेशन ये है तुम लोगों को, क्या है? अरे सर सजेशन क्या है, सजेशन ये है बच्चों कि तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन करता हूँ, जब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। इससे मेंटेलिटी पावर स्ट्रांग होगी, है ना, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है इससे, और कॉन्सेप्ट लगाने की तरीके भी हमें पता चल जाते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर टू में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू टोरॉइड से रिलेटेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, अब क्वेश्चन याद नहीं रहते भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर अराउंड विच, देख मतलब क्या, एक कोर है जिस कोर पे लपेटा हुआ है, मान लो ये है, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, ये जो इनर रेडियस दे रखी है ना इस कोर की, ये कितनी है भाई 25, और आउटर रेडियस जो दे रखी है वो कितनी है भाई 26। हमें कहाँ पे निकालना है, इस कोर पे, इस कोर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस इंटेंसिटी, इस कोर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ ये क्या है, टोरोइडल कोर, टोरोइडल कोर, इस पर वायर कैसे बाउंड है, ऐसे बाउंड है, इस वायर के कितने टर्न्स है, 3500 टर्न्स है, ऐसे बाउंड है इसके ऊपर। देखो जरा, देखो जरा, देखो ये कैसे लिपटा है, देखो भाई ये ऐसे हमने इसे बाउंड कर दिया। जब हमने इसे बाउंड कर दिया तो क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n इक्वल टू 3500 टर्न्स है। चलो भाई, अच्छा अब ये टर्न्स कौन से हैं तुम्हें पता ना, किस लेंथ पे फैले हैं, अराउंड विथ 3500 टर्न्स वायर वर बाउंड, इस पूरी लेंथ पे 3500 वायर है, किसकी वैल्यू है, nl वाली बात, nl की वैल्यू है पूरी है। मतलब अब यहां l के लिए क्या है, सर्कमफेरेंस होगा, सिंपल सी बात है, l के लिए क्या है, सर्कमफेरेंस। अच्छा पहले देखते हैं, हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, आउटसाइड। तो ए की बात करें, अगर आउटसाइड द टोरॉइड की बात करें, आउटसाइड टोरॉइड, तो कितना हो जाएगा टोरॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू जीरो, आउटसाइड तो जीरो होता है। बी की अगर बात करें, इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड पे भी कितना होता है, बी इनसाइड भी जीरो ही होगा, लेकिन ऑन द कोर ऑफ टोरॉइड की बात करें, ऑन द कोर ऑफ टोरॉइड, तो यहाँ थोड़ा झोल है, क्या क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैग्नेट फील्ड फाइंड करना है। बी क्या क्या चाहिए, एक तो म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, करंट दे रखी है 11, एन और चाहिए। अब ये एन कौन सा है, ये समझने की बात है, बस समझो जरा इसे, पहले जाओ एक मिनट। तो हमें क्या गिवन, क्या गिवन है भाई, करंट गिवन है आई, कितना है 11 एम्पियर, म्यू नॉट कितना होता है पता है, 4π × 10⁻⁷ होता है। अब क्या चाहिए, एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 3500 दे रखे नंबर ऑफ टर्न्स, 3500 नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड अराउंड दी कोर, इस कोर के अराउंड 3500 टर्न्स है, इस कोर के अराउंड कितने टर्न्स है, 3500 टर्न्स। अब हमारे पास सर्कमफेरेंस है, लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर कैसे होगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। अब r रेडियस, रेडियस तो दो है यहाँ, कौन सी रेडियस लेनी है, रेडियस तो दो है, 25 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर, कौन सी रेडियस लेनी है, हमें पता है कोर के मिडिल पे निकालना है। देखो ये लाइन जो है डॉटेड लाइन दिख रही है, कहाँ पे दिख रही है, कोर के मिडिल पे दिख रही है, तो कोर की मिडिल पे निकालना है, मतलब कोर के मिडिल के लिए, कोर के मिडिल की रेडियस चाहिए, मतलब ये वाली रेडियस चाहिए, ये रेडियस कौन सी होती है, आर एम, मीन रेडियस हो जाएगी आर एम, कैसे निकालते हैं मीन, आर वन प्लस आर टू अपॉन टू, तो आर मीन हो जाएगी कोर की रेडियस कितनी, 26 प्लस 25 अपॉन कितनी टू, तो ये हो जाएगा कितना, 51/2, और यह हो जाएगा कितना, 25.5 × 10⁻²⁰ मीटर, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो आया हम पे आ रहे हैं। लेंथ अगर हमें पता लगानी हो, लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो हमें क्या दे रखा है, n इंटू 2πr की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 3500, nl की वैल्यू दे रखी है, मतलब 3500, n निकाल लो, तो n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितना हो जाएगा 3500 अपॉन 2πr, ये हो जाएगा। चलो ऊपर देखते हैं, यहाँ कर लो इसे, तो कैसे करेंगे भाई हम, देखो 3n इक्वल टू 3500 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 जाएगा ऊपर,
ठीक है, इनटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 25, कितना लिखूँ, 51 अपॉन 2 जाएगा ऊपर, और इनटू क्या हो जाएगा, 10 to the power -2। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं, ज़रा देखो हो जाएगा कि कुछ कटेगा शायद, देखो काट के देखो इसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये 2 से 2 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा एन इक्वल टू 3500 इंटू 7 इंटू 10 to the power +2, और नीचे का आएगा 51 इंटू 22, ये आया नंबर ऑफ टर्म्स, सॉल्व करके जो भी आएगा। अब यहाँ वैल्यू रख क्या करम, पुट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बी आ जाएगा हमारे पास कितना, म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला, ठीक है, तो देखो भाई बी इक्वल टू म्यू नॉट कितना है, 4 पाई इंटू 10 to the power -7, ठीक है, देखो पाई की वैल्यू रखना, चलो कोई नहीं, एन एन कितना है, एन वो आया 3500 इंटू 7 10 to the power 2 अपॉन 51 इंटू 22 करंट 11, देखो पाई 22 अपॉन 7 आएगा, इस पाई से दोनों कट गए, 22 अपॉन 7 22 अपॉन 7, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास, देखो ये 40 1 2 3 4 इस चारों जीरो से कट जाएगा, 10 to the power -3 बचा, 4 बचा, 4 की 11 से करेंगे क्या आएगा, 44 इंटू 35 और नीचे का बचेगा 51, 3 से काट देंगे क्या, 3 से नहीं कटेगा ये, तो क्या आ जाएगा, बस क्या आएगा, देखो लिख दो 44 इंटू 35 अपॉन 51 इंटू 10 to the power -3 टेस्ला, तो ये हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, पर यूनिट लेंथ के लिए नहीं दे रखे, टोटल लेंथ के लिए दे रखे हैं, और हमें जो क्वेश्चन में एन है ये किसके लिए, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसको उस लेंथ से डिवाइड करके, तब जा करके हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया, अच्छा जो 2008 में आया था बोर्ड में, और वो शायद जेईई मेंस में भी आ चुका है एक बार, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही खोटा, जितना छोटा उतना ही खोटा, जितना बड़ा उतना ही खराब। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो कंसेंट्रिक सोलेनोइड दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो कंसेंट्रिक सोलेनोइड दे रखे हैं, उसमें करंट फ्लो करा दी, और जब करंट फ्लो करा दी तो हमसे पूछा गया नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना उसके कोर पे, बीच में सोलेनोइड के मिडिल पे, तो देखो कैसे दे रखे हैं, मतलब कुछ ऐसा है ये साहब, सबने देखा होगा क्वेश्चन, बुक में है भी क्योंकि 2008 में आया था, ये रहा। अब नेक्स्ट है कंसेंट्रिक सोलेनोइड है दोनों, तो हमने ऐसे ही बना दिए ये, इसमें करंट फ्लो हो गई I1, इसमें करंट फ्लो हो गई I2, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है, अब करंट के डायरेक्शन के ऊपर बेस है, ठीक, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है कितने N1, और इसकी लेंथ कितने सोलेनोइड की, एल ही रहेगी लेंथ, तो सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ऊपर वाले सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, इस वाले सोलेनोइड की रेडियस कितनी है भाई, 2 वाले की, इस वाले की है R2, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है इसकी, R1। चलो भाई तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बता, देखो करंट जा रही है, देखो बड़े वाले को देखो, बड़े वाले में करंट जा रही है ऐसे घूमी, वहां से जाकर के नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी, बड़े वाले में नीचे जा रही है, बड़े वाले में नीचे की तरफ को ऐसे घूम रही है, देखो छोटे वाले में भी कहाँ की तरफ को, छोटे वाले में करंट के डायरेक्शन चेंज कर दो भाई ऐसे, तो छोटे वाले में करंट के डायरेक्शन क्या, इधर को जा रही है, मतलब घूम करके ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे, अगर हम बड़े वाले सोलेनोइड की वजह से देखें तो करंट घूम के ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को, और छोटे वाले सोलेनोइड की तरफ से देखेंगे तो करंट घूम के ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, तो बड़े वाले सोलेनोइड की अगर मैं बात करूँ, कोई पॉइंट पी है यहाँ, यहाँ कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड करते हैं बड़े की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड बड़े की वजह से, बड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बड़े की वजह से, और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, छोटे की वजह से पॉइंट पी पर, तो छोटे की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, छोटा वाला तो 2 है तो B2, और बड़ा वाला क्या है B1, तो B नेट जो हो जाएगा, B नेट कितना हो जाएगा, B1 - B2। सोलेनोइड के लिए क्या होता है, म्यू नॉट N1 I1 - μ0 N2 I2, अगर इफ I1 = I2 करंट सेम हो तो B नेट हो जाएगा म्यू नॉट आई बाहर अंदर बचेगा N1 - N2। ये भाई हमारे पास क्या है, सोलेनोइड का एक बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पता आधा बहुत बढ़ जाता है क्वेश्चन लिखने लिखने में, इसलिए लिखा नहीं मैंने,
क्वेश्चन लिखने में हाफ बोर्ड फिल हो जाता, उसके बाद एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता तो आधा तीन लाइनों में। तो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में होगा आराम से, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, 2008 में आया था क्वेश्चन ये, तो देखना तुम पढ़ोगे तो तुम भी डर जाओगे क्या है, और क्वेश्चन सोल्व करने में कितना आसान था, सही है ना। तो बच्चों ये हमारे लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 5 जो हमने कंप्लीट कर लिया, सोलेनोइड और टोरॉइड से रिलेटेड एम्पर सर्कुलर लॉ कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले फोर्स ऑन ए चार्ज, जब चार्ज किसी फील्ड में मूव होता है, जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक बने रहना मेरे साथ, थैंक यू।